पर और अधिक जोर दिया जाएगा और इसके साथ साथ यह भी कोशिश की जाएगी कि पूरी व्यवस्था को अधिक से अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए। यदि आप भी मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2024 के बोर्ड परीक्षा में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य अपर सचिव के पाठक ने बहुत बड़ा फैसला लिया है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो 2024 के बोर्ड परीक्षा में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो क्या एग्जाम पैटर्न में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपका एग्जाम पैटर्न में चेंज होता है तो क्या वाकई के पाठक ने यह फैसला ले लिया है कि आप लोगों का इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्या ये सही है या गलत? तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा यदि आप मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तैयारी करेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि नहीं पूछा जाएगा तो फिर उसका क्या फायदा। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं, पूरा डिटेल्स में बताते हैं क्या है बिग अपडेट, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात हम आप लोगों को बता दें कि मैट्रिक और इंटर में 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है जिसमें इंग्लिश का मैट्रिक वालों के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 5 सब्जेक्ट जो आपका बचता है उस 5 सब्जेक्ट में किसी में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं। तो इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि मैथ सब्जेक्ट में मान लीजिए हम बताते हैं फिर आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। 2023 तक जो है मैथ में 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी 50 नंबर का पूछा जाता है जिसमें 50 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था जिसमें किसी भी 50 प्रश्न का जवाब देना होता था। लेकिन इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षा में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यही बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी ये दे देना चाहता हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। हम ले चलते हैं आपको गूगल पर, गूगल पर ले जाने के बाद आपको लाइव प्रूफ जब तक नहीं दिखाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इसका वाकई एग्ज़ाम में इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षा में एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, या ये जो सवाल उठा है क्या ये गलत है या सही। आखिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर नहीं पूछता है तो फिर क्या पूछेगा, अगर पूछता है तो कितना पूछेगा, किस तरह का पैटर्न होगा, वो अभी तक जानकारी सही मिला है या नहीं मैं आप लोगों को पूरा पुख्ता सबूत दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं गूगल पर। तो सिंपली गूगल में आ गए हैं और गूगल में टाइप करना है मिस्टर शर्मा target.com, जो आपको यहां पे स्पेलिंग दिखाई दे रहा है इस पर टाइप करिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा। देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, पहला नंबर वाला ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है ब्लू, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो इसे आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ देखिए आपको दिया गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर नया गाइडलाइंस हो गया जारी, ऐसे छात्र होंगे सीधा फेल, क्योंकि अगर एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। इसको बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या सब होता है। अगर आप जो भी क्लास की तैयारी करते हैं यानी क्लास 10th की यदि आप तैयारी करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं, उसमें आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना परम आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पर साइंस सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट देने से ये फ़ायदा होगा कि आप कितना तैयारी किए हैं, इसमें आपको पूरा रिजल्ट के साथ बताया जाएगा, आपको सही समय पर कम से कम 16 मिनट और 40 सेकेंड का समय दिया जाता है जिसमें आपको किसी भी 20 या 30 प्रश्न का जवाब, अगर 20 नंबर वाला टेस्ट है उसमें आपको 15 टेस्ट का जवाब अगर आप दे देते हैं, 15 प्रश्न का जवाब आप दे देते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल सही है। अगर आप 15 प्रश्न से कम जवाब दे पाते हैं तो फिर आपका तैयारी सही नहीं है, आपको उसको अच्छे ढंग से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप
आकर के डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको यहाँ पर आना है। अगर कोई कन्फ्यूजन, कभी कोई डाउट लगे तो यहाँ पर आकर के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है न्यू अपडेट रिजल्ट, कभी भी कोई जानकारी होता है तो यहाँ पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड कभी किसी भी प्रकार का जारी होता है तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं, ठीक है। फिर अपने मुद्दे पर हम लोग आ जाएंगे। स्कॉलरशिप एडमिशन को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में आना है तो यहां देखिए दोस्तों स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आप आ सकते हैं। कहने का मतलब जो पार्ट वन के स्टूडेंट है या बीए पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन, बीकॉम पार्ट वन, उसके बाद जो भी खबर होता है सब यहां पर आ जाएगा। स्कॉलरशिप के बारे में कोई जानकारी लेना है तो यहां आ जाना है। किस तरह का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा रहा है, छात्रवृत्ति किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, तो यहां से आप देख सकते हैं। टेंथ लेवल का जो जॉब होता है, टेंथ और ट्वेल्थ लेवल का जो जॉब होता है, आपको इंटरेस्टेड है कि घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो यहां पर आकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर दोस्तों। यहां देखिए मैंने आप लोगों को बताया सबसे ऊपर में बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर नया गाइडलाइंस हुआ जारी। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ऐसे छात्र सीधा हो जाएंगे फेल। आपको इस तरह का ऐड दिखेगा, बंद कर देना है। सिंपली आपको यहां पर आना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहां देखिए, और इस आर्टिकल को आप चाहे तो पूरा आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा जानकारी दिया गया है, अगर आप फेल होने से बचना है तो कैसे बचना है, कौन कौन सा गलती आपको नहीं करना है, परीक्षा में तैयारी कैसे करना है, सबके बारे में जानकारी दिया गया है। मैथ का यहाँ देखिए चैप्टर वाइज दिया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। हम आपको पूरा डिटेल्स में दिखा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पूरा आकर के डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी हम आपको यहाँ ये बता देते हैं, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, हम आपको यहाँ पर पूरा जानकारी दिखा देंगे कि किस तरह से आकर के यहाँ पे देखना है। अगर डिटेल्स में आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरा लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ आकर के आप ज़रूर देखिए कि आपका वाकई में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो हम आपको इस पूरा वीडियो के माध्यम से जो बताना चाहा, एक बात मैं कहूँ वीडियो के लास्ट में, हम आपको ये बता रहे हैं कि दोस्तों अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न जो आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो, पैटर्न के बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य अपर सचिव हो या अध्यक्ष हो या फिर चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो है वो क्यों ना हो, किसी के भी तरफ से ऑफिशियल ये जानकारी नहीं दिया गया है कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। हम ऐसा वीडियो इसलिए डिटेल्स में बताएं आप लोगों को कि आप लोग तैयारी भी अच्छे ढंग से करें और जहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं करते रहें। कोई भी जानकारी आएगा तो हमने आपको गूगल पर आकर पूरा लेटेस्ट अपडेट दिखा दिया है। कभी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लगता है तो हम अपने वीडियो में तो बता ही देते हैं लास्ट तक, लेकिन आपको ऑफिशियल जानकारी भी दे देते हैं कि आप गूगल पर जा करके क्या सर्च करना है, पूरा डिटेल्स में आप खुद भी जान सकते हैं, ठीक है। किसी के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सारे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करके पूछ रहे थे, फेसबुक पर मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, और तब जा कर के हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। हम जानते हैं कि आप अगर यहाँ तक शुरू से लास्ट तक देखे हैं तो आपको ये लगा होगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, हम इस वीडियो से कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन दोस्तों आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो बर्बाद नहीं होता है, बस आपका सोचने का फ़र्क होता है, ठीक है। डिटेल्स में देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पर आकर के इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फेल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर नया गाइडलाइंस जारी कर दिया, ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।